हेलो हाय नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी, हनी विद डबल ई। कैसे हैं आप सारे फूडीज? आज हम बना रहे हैं चीज़ आलू ब्रेड पकौड़ा, जिसे इस मौसम में एंजॉय करना तो बनता है। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 ब्रेड के स्लाइस, 1 कटोरी बेसन, 2 उबले आलू, 2 स्लाइस चीज़ के। तो आइए शुरू करते हैं। बेसन में हम डाल रहे हैं अजवाइन, सेंधा नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। मिक्स कर लेते हैं हम सारे मिक्सचर को। अब थोड़ा पानी डाल लेंगे और अपना घोल तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। बेसन की कंसिस्टेंसी ना गाढ़ी होनी चाहिए ना हल्की। हमारे अब इस बेसन के घोल में हम थोड़ा सा मैगी मैजिक मसाला ऐड करेंगे। अब अपने आलू छील लेंगे और बाउल में डाल लेंगे सेंधा नमक, लाल मिर्च। चीज़ को खोल लेंगे और उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। छोटे पीसेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो चीज़ स्टिक हो जाए आलूओं के साथ ब्रेड पकोड़े में, और जब हम अपने ब्रेड पकोड़ों को फ्राई करें तो वो फटे नहीं। ब्रेड पकौड़ा तो हम सबने इंजॉय किया है, पर ये ब्रेड पकौड़ा थोड़े ट्विस्ट के साथ है। अब आलूओं के साथ ही हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। पहले हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेते हैं और फिर सारे हमारे मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। हमें चीज़ को मैश नहीं करना है, हमें आलूओं को मैश करना है। ये मैं आलूओं को ही मैश कर रही हूँ, जो आलू के मोटे मोटे पीस हैं, चीज़ को मैश नहीं कर रही। ऑलमोस्ट रेडी हो गया है हमारा मिक्सचर। ये अब ब्रेड के स्लाइस ले लेते हैं और हम ब्रेड को तिरछे में हाफ करेंगे। दूसरी ब्रेड को भी ऐसे ही तिरछे में हाफ करेंगे। अब ब्रेड स्लाइस में हम अपने आलू मसाले को भर लेते हैं। जब हम मसाला फिल करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से मसाले को दबाते जाएंगे ताकि ब्रेड पे वो स्टिक हो जाए। ब्रेड का
कर लेते हैं दूसरी। अब थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे ताकि स्टिक रहे सारा। कढ़ाई चढ़ा लेंगे हम, थोड़ा उसको हीट होने देंगे। बेसन को बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिया है मैंने। अब बेसन में हम अपनी ब्रेड को अच्छे से डिप करेंगे। गरम तेल में हम अपने ब्रेड पकौड़े को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। दो मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। बिल्कुल भी देखिए ब्रेड को कुछ नहीं हुआ, हमारे चीज़ आलू ब्रेड पकौड़े को ना टूटा ना फटा। दो मिनट हम और पका लेंगे पलटने के बाद। और अब हम अपने आलू ब्रेड पकौड़े को बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे सेट को भी बेसन में डिप कर लेंगे। और तेल में डाल देंगे। दो मिनट फ्राई होने देंगे और फिर पलट लेंगे। और फिर दो मिनट और फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा। और अब निकाल लेंगे। यम्मी चीज आलू ब्रेड पकौड़ा रेडी है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। क्या तो यम्मी चीज मेल्ट हुआ है, आपके मुंह में पानी तो जरूर आया होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए और मेरे चैनल कुक विद हनी, हनी विद डबल ई को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।